लला नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं होगा। आज का भी सेशन पीएटी पर है और ये स्टोरी रिटन बाई ए सर्विस पर्सनल जीएससी, ही इज फॉर सर्विस एंट्री। इसमें दो सिचुएशन पर लला हम डिस्कशन करेंगे। पहली सिचुएशन यह है कि व्हेन अ स्टोरी डज नॉट अमाउंट टू बी ए टीएटी। एक स्टोरी तो होती है लेकिन जब वो टीएटी नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। और दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस एंड द अचीवेबल लेवल। जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रस्तुति में, उस परफॉर्मेंस में, और जो आपको प्रदर्शन करना, जो लेवल आप अचीव कर सकते हैं और एफर्ट्स करके जो आपने नहीं किया, वो अचीवेबल लेवल, उसमें अंतर क्या है। और ये अंतर जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, आप चयन के मापदंड में, सिलेक्शन के पैरामीटर में नहीं आएंगे। आज माफी चाहूंगा, ये 8-10 पेज का है, बोलने में केवल 25-30-40 मिनट का समय लगेगा। लला मेरे ही लिखे हुए को मैं 2-3 बार पढ़ना पड़ा मुझे, अब फिर बोलने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस दायरे से बाहर ना जा पाऊं केवल इसकी वजह से। देखो, ये मैं 6 आपको कंडीशन बता रहा हूं जब आपकी स्टोरी में, जो टीएटी में दिक्कत पैदा कर सकती है। पहला यह है कि जो टीएटी के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जिसमें 20% जिसकी वैल्यू है, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग जिसकी 70% वैल्यू है, एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम जिसकी 10% वैल्यू है। 70, 20, 90, 10, 100, ये 100% आगे आता है। तो जब व्हाट लेड टू, ये स्थिति क्यों आई, इसका इंग्लिश है व्हाट लेड टू द सिचुएशन। जब वो रियल नहीं होता है, जब वो लॉजिकल नहीं होता है, जब जो जस्टिफाइड नहीं होता है, जब उसमें पोटेंशियल नहीं होती है, जब वो सिचुएशन से रिलेट नहीं करता है, जब वो रियल नहीं होता है, तब आपकी लिखी हुई स्टोरी तो होती है लेकिन क्रिएटिव नहीं होती है। तो सेकंड कंडीशन आती है कि जब आप रूटीन प्रॉब्लम को टीएटी में लाते हैं, नॉन प्रॉब्लम को लाते हैं, खिंचे पिटे प्रॉब्लम को लाते हैं, आम प्रॉब्लम को लाते हैं, क्योंकि एसआरटी और टीएटी के डिफिनेशन में एक अंतर यह है कि एसआरटी इज ए सिचुएशन ऑफ रूटीन प्रॉब्लम, इट इज अ सिचुएशन रिलेटेड टू द रूटीन प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम, एंड टीएटी इज ए प्रॉब्लम बियॉन्ड रूटीन। तो जब आप बियॉन्ड रूटीन प्रॉब्लम नहीं लाते हैं, उसको लाने में फेल हो जाते हैं, आपका इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति जब उसमें फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, तो आपकी स्टोरी होती है और क्रिएटिव नहीं होती है। तीसरा कंडीशन यह है कि जब आपके डिमॉन्स्ट्रेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में और अचीवेबल लेवल में अंतर होता है, तब आपकी स्टोरी जो है स्टोरी होती है लेकिन वो टीएटी नहीं होती। जो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और जो आपका लेवल होना चाहिए अचीव करने का, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति आप कर रहे हैं और जिसकी परिस्थिति सिचुएशन डिमांड कर रही है, जो आप कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसमें डिमांडर होता है, तो आपकी स्टोरी होती है, टीएटी नहीं होती है। लला, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ एक्यूरेसी इज कंप्रोमाइज, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, सी सिक्योर्ड 85.2% इन द एग्जामिनेशन एक्यूरेसी।
शिवाज डेली स्टडिंग 8 hours राइट फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम एक्यूरेसी. सेकेंड, विद द पावर ऑफ कॉन्सिस्टेंस. What is the interpretation of power of consistency? रसरी आवत जात है सिल पर बनत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान. इसका सेकंड एग्जांपल, दैट एग्जांपल विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. आज तक कोई पढ़ के आईएएस नहीं बना है, पढ़ के राइटर नहीं बना. मैं खुद राइटर हूं 8 किताबों का, बिना प्रैक्टिस के, बिना कंसिस्टेंसी के, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के इसको इंटरप्रेट कर देता हूं. अभी आपके समझ में आता है. एक प्रदर्शनी लगी थी, अखाड़े में कुश्ती होने वाली थी. एक पहलवान आया, एक नींबू को काटा और उसने नींबू का आधा नींबू का रस निचोड़ दिया. उसने अनाउंसमेंट किया कि कोई माई काला, इस भीड़ में से कोई व्यक्ति, एनीवन फ्रॉम द क्राउड, फ्रॉम द ऑडियंस, अगर इसमें से इसके बाद 3-4 बूंद नींबू का नीचे रस निकाल दे तो मैं उसको 1 लाख रुपया. एक पतला दुबला आदमी क्राउड से निकल कर आया और उसने नींबू लिया, 3-4 बूंद रस निकाल दिया. पहलवान ने पूछा, प्रभु आप कौन? उसने कहा कि मैं जयपुर से सीकर जाने वाली बस में चना बेचता हूँ, डेली नींबू के निचोड़ता हूँ. दिस इज पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. लला जो छठवां कंडीशन है, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज कंप्रोमाइज द इवैल्यूएशन विल नॉट गो इन योर फेवर. व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? ये तभी संभव है जब आप रूटीन प्रॉब्लम को टीएटी में नहीं लाने, आप प्रॉब्लम बियॉन्ड रूटीन लाने. लला जरा एक छोटा मोटा शेयर हो जाए. आए मेरे बहुत अच्छे वक्त, जरा धीरे धीरे चले, क्योंकि हमने बहुत बुरे वक्त को बहुत धीमे धीमे चलते देखा है. कितना खौफ होता है रात के अंधेरों में. उन परिंदों से पूछो जिनके घर नहीं होते. लोग कहते हैं कि प्यार खरीदा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी प्यार को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है. लड़ा एक छोटा सा शेयर हो जाए, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है, आपके लिए बहुत जरूरी है. जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए. यूं तो किसी चीज को पाना नसीब की बात है, यूं तो किसी चीज को पाना नसीब की बात है, लेकिन इतना लगातार मेहनत करो कि ऊपर वाला देने पर मजबूर हो जाए. लला आगे बढ़ते हैं. बाबू 4 प्रकार की पिक्चर्स बोर्ड में दिखाई जाती है, 5 प्रकार की पिक्चर अभी तक तो नहीं आई, 1939 से लेकर के आज तक. पहली प्रकार की वो पिक्चर होती है जिसमें पिक्चर 100% अपना मैसेज छोड़ जाती है. रिस्क, चैलेंज, हादसा, एक्सीडेंट, फ्लड, फायर, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक, बिल्डिंग का अचानक गिर जाना, इलेक्ट्रिक फायर, ये सामने दिखता है. एक्सीडेंट, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, ये सामने दिखता है. दूसरे प्रकार की पिक्चर में पिक्चर केवल स्ट्रेस को, तनाव को, तनाव का संकेत देती है. स्ट्रेस इंडिकेटर होता है,
ये 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। इसमें तनाव सांकेतिक होता है, इसमें पिक्चर थोड़ा बहुत मैसेज छोड़ती है और बाकी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और परसीव करना पड़ता है। बाबू तीसरे प्रकार की पिक्चर न्यूट्रल होती है, इसमें न स्ट्रेस इंडिकेटेड होता है, न हादसा इंडिकेटेड होता है, न हादसा सामने दिया रहता है, न पिक्चर इसमें मैसेज छोड़ती है, न 30% 10% छोड़ती है, न 100% छोड़ती है। इसमें इमेजिनेशन काम करता है, कल्पना शक्ति। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेजिनेशन, इट्स द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स, आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन। आपके थॉट प्रोसेस का 100% एप्लीकेशन। हाउ इमेजिनेशन इंप्रूव्स, गोइंग बियॉन्ड द ऑबवियस, जो सामने दिख रहा उसके ऊपर जाने से, उसके बियॉन्ड जाने से इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति इंप्रूव करती है। एक प्रॉब्लम के कितने अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकते हैं, इससे इमेजिनेशन इंप्रूव कर सकता है। लड़ा चौथी पिक्चर ब्लैंक होती है, इसमें लड़ा दो कंडीशंस हैं, आप पिक्चर को तैयार करके भी जा सकते हैं और ऑन स्पॉट भी इमेजिन कर सकते हैं। ऑन स्पॉट इमेजिन करने में अच्छा ये होता है कि 11 पिक्चर्स में जो आप इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एक्शंस, फीलिंग्स, सोच, एटीट्यूड, नजरिया, थॉट प्रोसेस, जो आपकी डिप्रेस थॉट्स से रह गई हैं, वह 12वें में आप इंट्रोड्यूस करते हैं। एक और सवाल लड़के बार बार पूछ रहे हैं कि बाबा ने 12वीं स्टोरी किस पर बेस करनी चाहिए, सेवियर पर, कैरियर ओरिएंटेड, किसी के डिफेंड करने पर, भविष्य पर, कैरियर पर, बहुत अच्छा है, बाकी आपकी जो इच्छा हो। लला ये जीएस सिंह के हम फर्स्ट टीएटी पर आते हैं, इनमें इस टीएटी में व्हाट इज करेंटली हैपनिंग में थोड़ा सा एडिशन कर देने पर वो मेरे को टच कर जाएगी। हालांकि व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन व्हाट लेड टू द सिचुएशन में, यह स्थिति क्यों आई, इसका इंटरप्रिटेशन है, उसमें थोड़ी सी समस्या है, वो लॉजिकल नहीं है, रियल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। मैं हम लोग आप गौरी या जीएस सिंह के हम लोग केस हिस्ट्री पर आते हैं। दिस पर्सन इज एन आर्मी पर्सनल, हैज पुट 19 इयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्मी विथ डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंट पोस्टिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ही हेयर्स फ्रॉम ए विलेज ऑफ टेहरी गढ़वाल, father's education is earth class, mother's education is also earth class, father is having 15,000 per month income and doing the mansion work, मिस्त्री का काम। इनकी जो मदर की क्वालिफिकेशन वो भी earth class है। जीएस सिंह ने मैट्रिक जो है 2002 में पास किया, 10+2 में, और ये 2004 में इंटरमीडिएट 10+2 पास किया, हाई स्कूल में मैट्रिक 2002 में पास किया, वो भी उत्तराखंड बोर्ड से पास किया। इनका जो हॉबी है ये है, ये इनका हिंदी मीडियम रहा, स्टेट बोर्ड से रहे। इनकी जो हॉबी है वो है लिसनिंग न्यूज़, वाचिंग क्रिकेट और प्लेइंग विलेज लेवल मैचेस, क्रिकेट मैचेस। इनके ब्रदर्स वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पास ऑटोमोबाइल में एक डिप्लोमा है जो इन्होंने आर्मी में आने के बाद किया है। अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटेड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस एंड अचीवेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एवरेज अवेलेबल और एवरेज रिक्वायर्ड, दोनों में क्या अंतर है। हैविंग क्वालिफिकेशन एंड बीइंग क्वालिफाइड में क्या अंतर है।
एकेडमिक प्रोफाइल और पर्सनालिटी प्रोफाइल में क्या अंतर है? जो आपका प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है और जो ईएलपी है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस है, दोनों के बीच में जो गैप है उसको डेल्टा बोलते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा, नदी के बीच में, दोनों की नदी के किनारों के बीच में जो नदी बीच में छोड़ जाती है, पानी नहीं रहता, उसको डेल्टा बोलते हैं। इसको हमारे भाषा में गैप बोलते हैं। ये जब तक गैप नहीं पूरा होगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये गैप तभी पूरा होगा जब हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को आप डेवलप करेंगे। देखिए, ये जो आप टीएटी डब्ल्यूटी जो पूरे इंडिया में आप कोचिंग ले रहे हैं, 14 दिन की, 15 दिन की, 4 दिन 5 दिन का सिग्नेचर कोर्स है, ये सब आपका टेस्टिंग टूल्स है। ये टेस्टिंग टूल्स की कोचिंग है, इसके बेस पर सिलेक्शन नहीं होता। जब आपकी हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप कर जाती है और उस पर्सनालिटी को लेकर जब टेस्टिंग टूल्स में आप इंटर करते हैं, तो जो आप रिफ्लेक्शन देते हैं, जो एक्शन देते हैं, जो रिवील करते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, आप जो परफॉर्मेंस आप देते हैं, उससे जो पर्सनालिटी निकलती है और जो क्वालिटी निकलती है, वो हम देखते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी के प्रोफाइल में है कि नहीं। अगर वो सर्टन स्केल ऑफ पैरामीटर में हमारे आ गया तो हम आपको सिलेक्शन कर दे, रिकमेंडेशन देते हैं, और नहीं तो आपको रिकमेंडेशन नहीं देते, नॉट रिकमेंडेड कर देते हैं। अब आते हैं कि इनकी जो स्टोरी की जो सिचुएशन है, वो स्टोरी की सिचुएशन क्या है। आप सोचो कि एक स्टोरी है जिसमें रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिरा हुआ, ट्रैक की इस्पात ट्रैक्टर ट्राली खड़ा हुआ है, और ट्रैक की इस तरफ भी लोग काम कर रहे हैं और उस तरफ भी लोग काम कर रहे हैं, फावड़ा गैता वैता लेकर के गांव के लोग काम कर रहे हैं, पेड़ हटाया जा रहा है। नौ दिस इज द सिचुएशन। लला स्टोरी में जो आप थोड़े बहुत चूक करते हो, अगर आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी तो वो आपसे चूक नहीं होगी, इसे साइंटिस्ट पकड़ लेता है। आपकी टीएटी मैसेज छोड़ देती है कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उस लायक ये परफॉर्मेंस है कि नहीं। आइए इनका देखते हैं इनकी स्टोरी पर। देखो लला, इनकी स्टोरी पर देखो, इनकी स्टोरी है कि राजेश वाजे फार्मर लिव इन ऋषिकेश उत्तराखंड। लला, ऋषिकेश एक स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और आप कैपिटल समझे हैं, इन्होंने छोटे से लिखा है। एक एक गलती करने, देखो फेल होना बुरी बात नहीं है, एक गलती से बार बार फेल होना बुरी बात है। अगर एक पार्टिकुलर मिस्टेक बार बार रिपीट होती है या उस तरह की उस नेचर की मिस्टेक, देखो टीएटी पढ़ के सुना दे बता दे बहुत अच्छी है, तो इससे आपका भला नहीं हुआ। जब तक उसका हम इंटरप्रेशन करके रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा। चाहे लग जाए 40 मिनट, आप सुनिए, समझ दीजिए क्लासरूम का कड़र है, जिस जो भी आदमी इस प्रकार का इंटरप्रेशन कर रहा है उसकी बात को सुना करिए आप। इस प्रकार की गलतियां देखिए कैसे हो रहा है, हालांकि उन्होंने स्टोरी लिखना सीख लिया है, ये लगभग 50-60% ये सिलेक्शन के कगार पा चुके हैं, 40% के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको हम सजेस्ट करेंगे वो करेंगे तो पार हो जाएंगे। लला, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये आपके जनरल अवेयरनेस पर, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, और आपके ये कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क पूरा करता है। इस प्रकार के जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये हीरो का आइडेंटिफिकेशन है, इसमें गांव का नाम लिख देते और एज लिख देते तो हीरो आइडेंटिफिकेशन 100% पूरा हो जाता। और अगर स्कूल होता, अगर स्कूल में लड़का पढ़ता होता तो स्कूल का नाम लिख देते, स्कूल के नाम के साथ तो डिस्ट्रिक्ट का नाम वाले लगा रहता था, और एज लिख देते, क्लास लिख देते, स्कूल का नाम लिख देते तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो स्कूल के साथ लिखा रहता है, तो हीरो का आइडेंटिफिकेशन वहां पर पूरा हो जाता, उसमें और किसी एडिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती,
नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं लल्ला, अब आगे स्टोरी की बढ़ती है कि ड्यू टू हैवी स्टॉर्म तूफान आने के कारण ये अपने फसल को देखने गई, वह गोइंग टू चेक हिज क्रॉप इन द फील्ड। जब ये फील्ड को देखने जा रहा था, हिस्सा ए ट्री होना चाहिए, फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। इसने अब किया क्या है कि इसने रेलवे अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, ये समझिए कि डिसीजन मेकिंग है, राइट टाइम एट द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एप्रोप्रिएट टाइम, इसको कहते हैं एडिक्वेट डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन, टाइमली डिसीजन, ये इसमें इनके लिए प्लस पॉइंट है। इसने रेलवे अथॉरिटी से ट्रेन को स्टॉप करने के लिए कहा। ये रायवाला स्टेशन है, देखिए रायवाला में इन्होंने फिर जो है आर इस्तेमाल से लिख दिया, तो जो गलती हमने बोला था कि पहले बार आर इन्होंने इस्तेमाल से लिखा ऋषि केस में, रायवाला में आर इस्तेमाल से लिखा, ये गलती रिपीट हो रही है। ये जल्दी है हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, आपके इमेजिनेशन पर, आपके क्वालिफाइड होने पर, क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइड होने पर, आपके अचीवेबल लेवल पर एक क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसी गलती बार बार होगी तो साइक आपको रोक देगा, क्योंकि आप क्लास वन के कैडर में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं लला। लला उसके बाद से क्या करता है कि ये फार्मर्स को इकट्ठा करता है, ट्रैक्टर ट्राली लाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर लीडरशिप आ गई, अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया, एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया, ऑर्गेनाइज करना आ गया, कोऑपरेशन आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गई, ये तमाम लीडरशिप क्वालिटी आ गई इसके अंदर। और इसमें एडिशन क्या करना है, व्हाट लेटर सिचुएशन में बता दिया कि क्या एडिशन करना है और व्हाट उसमें क्यों गड़बड़ हो रहा है वो आगे बताएंगे। व्हाट लेटर सिचुएशन में कि ये व्हाट लेटर सिचुएशन का जस्टिफाई क्यों नहीं है, उसको तीन चार कारण देंगे हम आपको इंटरप्रेट कर देंगे। ये व्हाट इज करंटली हैपनिंग में अगर ये बोल देता कि ट्रैक्टर ट्राली के साथ बैंबू रो फावड़ा गईता चैन बल्ली पतरा लोहे के राड इतना लेकर ध्यान रखना बाबू, जितना रिसोर्सेज को आप डिटेलिंग करेंगे, आर्म फोर्सेज में जनरलाइजेशन हैज गॉट नो वैल्यू इन द आर्म फोर्सेज, इन द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन सिस्टम ऑफ द आर्म फोर्सेज स्पेसिफिकेशन हैज गॉट द वैल्यू। अगर ये रिसोर्सेज लिख देता और फिर बोला था कि इतने लोगों को ट्रैक के उस पार, इतने लोगों को ट्रैक के इस पार डिप्लाय कर दिया और सुपरविजन कंट्रोल करता रहा, अपना इन्वॉल्व होता रहा कि कौन कहां से क्या कौन सा काम कितना हटा कितना नहीं हटा। फिर उन्होंने सोच लिखा है कि जब रेलवे अथॉरिटी फाइनल आई तब तक ये लोग पेड़ को या उसके ब्रांचेज को ये लोग ट्रैक से हटा चुके थे। और फिर लिखते हैं ये कि वो लोग अपने ड्यूटी चले गए, ड्यूटी नहीं अपने घर चले गए। यहाँ पर ये एमेंड करना, ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर क्वेश्चन उठाता है कि वो कोई नौकरी करने वाले थे नहीं, ड्यूटी कैसे जाएंगे, घर ही गए। इनका एक एडिशन करना था कंक्लूजन में, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, उसमें एक कंक्लूजन ये था कि जब फाइनली रेलवे अथॉरिटी फाइनली इंस्पेक्टेड द ट्रैक एंड देन दे गिव ग्रीन सिग्नल टू पास द ऑन कमिंग एंड अप गोइंग ट्रेन, तो ये स्टोरी 100% कंप्लीट हो जाती है। ये फाइनल आउटकम है, ये एडिशन करना। अब आगे आते हैं कि लला व्हाट लेड टू द सिचुएशन में क्या दिक्कत हो गई और वहां क्या होना चाहिए था। ये अगर जस्टिफाई कर देते तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन में, ध्यान रखना व्हाट लेड टू द सिचुएशन सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। ध्यान रखना कि माइंड ऑर्गन नहीं है, ब्रेन ऑर्गन है। माइंड इज ए कलेक्शन ऑफ पास्ट
एक्सपीरियंसेस एंड द मेमोरीज, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड। तो ये जो व्हाट लेड टू द सिचुएशन का जो रोल है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है। और अगर व्हाट लेड टू द सिचुएशन अगर जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकल नहीं है, रियल नहीं है, तो आपके इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव इमेजिनेशन पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता है और आपकी स्टोरी क्रिएटिव में के पैरामीटर में इंटर करने में इसमें दिक्कत आती है। क्योंकि व्हाट लेड टू सिचुएशन स्टोरी का मेन बेस है। अब लला आते हैं कि प्रश्न उठता है कि ये व्हाट लेड टू द सिचुएशन किस प्रकार से लॉजिकल होगा और रियल होगा। देखो, मैं साइंटिस्ट और सिस्टम एक प्रश्न उठा रहा है कि हैदी तूफान में वो अपने खेत को, फसल को देखने जा रहा था। साइंटिस्ट सवाल उठाता है कि फसल को क्या हो गया था कि इसको देखने की जरूरत पड़ गई। क्या ये किसान जो प्रकृति से, जो हैवी साइक्लोन से, हैवी तूफान से जो फसल को नुकसान हुआ है, ये किसान रोक लेता? और तीसरा सवाल, अकेला यही क्यों जा रहा? क्या अकेला इसी की फसल नुकसान हुई और न की फसल नुकसान नहीं हुई? इसलिए इनका व्हाट लेड टू द सिचुएशन जस्टिफाइड नहीं है। और अगर न जाता तो क्या हो जाता? कोई फसल पर फर्क तो पड़ता नहीं। ये तो ये पंपिंग सेट से पानी चलाने का तो मुद्दा है नहीं कि नहीं जाता तो पानी नहीं चलता, या बिजली आई उसी वक्त आई तो अगर नहीं जाएगा तो जो जो है इंजन नहीं चलेगा ट्यूबवेल का, और खेत को पानी नहीं मिलेगा। ये तो तूफान था, ये रोक पाता नहीं, इसलिए व्हाट लेड टू द सिचुएशन इनकी जस्टिफाइड नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन कैसे जस्टिफाइड होगा, इसका मैं इंडिकेशन दे देता हूं। गढ़वाल विश्वविद्यालय रेलवे ट्रैक के किनारे बने मकान में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन का एक लड़का प्रिपरेशन कर रहा था। जब तूफान आता है तो वो आवाज सुनता है, जब बिजली चमकती है तो देखता है कि बगल में जो ट्रेन जा रही है, रेलवे ट्रैक जा रहा है, उसके ऊपर एक ट्रेन गिर गया। नेक्स्ट लाइट प्रोन इलाका होने के कारण ये जो रेलवे का ट्रैक इंस्पेक्टर है वो ट्रैक को इंस्पेक्ट कर रहा था। तूफान आने पर एक बरामदे में छिपता है और फिर देखता है कि ये पेड़ जो है, बहुत बड़ा पेड़, रेलवे के ट्रैक पर गिर जाता है। तूफान खत्म होते ही मॉर्निंग में एक पुलिस वाला या स्पोर्ट्समैन दौड़ने निकलता है नदी के ट्रैक के नीचे किनारे किनारे, और देखता है कि ट्रैक पर एक पेड़ गिरा हुआ है। इस प्रकार से कोई भी सिचुएशन व्हाट लेड टू द सिचुएशन को जस्टिफाइड करें। जैसे हीरो का प्रेजेंस उस सिचुएशन में जस्टिफाइड हो जाए, लॉजिकल हो जाए, रियल हो जाए, उस व्हाट लेड टू द सिचुएशन में पोटेंशियल आ जाए, उसमें परफेक्शन आ जाए, एक्सीलेंस आ जाए, वो लगे कि रियल है, इसका इस वक्त पढ़ना जरूरी है, जस्टिफाइड है इसका प्रेजेंस। अब लला, अगर व्हाट लेड टू द सिचुएशन जस्टिफाइड नहीं हुआ तो वो स्टोरी तो होगी लेकिन टीएटी के पैरामीटर में आने में उसको दिक्कत होगी। और टीएटी का जो व्हाट इज करेंटली हैपनिंग है, जो व्हाट लेड टू द सिचुएशन पर बेस करता है, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। मैंने पहले आपको बताया था कि जो एसएसबी में जो जितने टेस्ट है, चाहे जीजू वाले हों, चाहे साइक वाले हों, या इंटरव्यू ऑफिसर का इंटरव्यू वाला टेस्ट हो, ये टेस्टिंग टूल्स हैं। अगर आपकी हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप कर जाएगी तो इनमें, इन टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी बात को सुनो, इस हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या तरीके हैं,
एक तो ऑफिसर मेकिंग क्लासेस, जिसके बारे में कई बार मैं बोल चुका हूँ, मेरे वीडियोज भी हैं, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस मेरे वीडियो है उस पर। इसमें 10 सेशन होते हैं, मेरे यहाँ इसकी व्यवस्था भी है बहुत नॉमिनल चार्जेस पर। इस 10 सेशन को या तो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाइए, उनके साथ कर लीजिए, या मेरे यहाँ अटेंड कर लीजिए। ये सेशन एक दो जगह पुणे में चलते हैं, नागपुर में एक जगह चलता है, वहाँ 6 सेशन चलते हैं, मेरा 10 चलते हैं। इससे आपका गैप पूरा होगा। OIR की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग की, और किसी भी इंग्लिश न्यूज पेपर के एडिटोरियल को पढ़ना, उसके ऊपर नोट्स बनाना, और ऑप्शन मेकिंग क्लासेस में बेटर से बेटर परफॉर्म करना। इससे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप करती है। लगा इनके सेकेंड स्टोरी पाते हैं। इनकी सेकेंड स्टोरी में ऐसा होता है कि एक यंग आदमी एक 4-5 गांव वालों को लेकर के एक पेड़ के नीचे कोई चीज एडजस्ट कर रहा है, और हाथ उसका उठा हुआ है, कोट पहने हुआ है। गांव के लड़के उस चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने आपको एक मिनट है, मैं अभी प्रिया यह भी नहीं।